किसी टीम पे तो कोच भी नहीं है, चोको चोको देना है ब्लाइंड को, चोको प्लेयर बैन हुआ ना। मैडम की शादी होगी भाई। क्या जॉनी का 16 किल रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है क्या कोई? सच उतनी अच्छी टीम्स नहीं थी वहाँ पे। गॉब्लिन के 13 किल भी हैं बीएमपीएस फाइनल में, उससे हार्ड लॉबी में। अब मैडमन खुद की टीम बना रहा है, उसको कोई टीम नहीं ले रहा था। मैडमन के भाई, मैडमन रजिस्टर्ड है हमारे साथ बीएमपी में। चलिए भाई, क्या है खेले आप लोग एक राउंड में क्वालिफाई? अरे भाई हाँ यार, जब तक किस्मत चल गई हमारी, अब हम हक देंगे ना बाकी राउंड, जैसा लोग बोलते हैं। देखते हैं फाइनल्स में हक देती है एडवर्ड, ऐसा देखते हैं। मैडम भाई, मैडमन को यही सीन बताया तो भाई आपको कि उसकी शादी होगी। मैडमन की शादी होगी, उसकी दूसरी शादी होगी। चलो मैडम की शादी होगी भाई, मान ही नहीं रहे हो तुम लोग यार। चलो मैं इनसे पूछवा दूंगा, बस मैं ऐसा इनडायरेक्टली पूछ लूँगा, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि सब कुछ फिक्स्ड है। ओ आदि सुनना, हेलो, मैडम की शादी पे खाना बढ़िया था ना? बढ़िया तो था भाई, बस थोड़ा सा तीखा होता तो। देख लो गाइस, अभी मैंने इनडायरेक्टली भी पूछवा दिया है। क्या जॉनी का 16 किल रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है क्या कोई? वाइपर नहीं किया था ना यार, बट मेरे अकॉर्डिंग मतलब वो लॉबी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी भी जॉनी का 16 किल्स वाला वो सेट कर रखा है, मतलब उसने एपिटोम पे। ऐसे तो आरजी ने टीएसएम का 31 किल्स भी तोड़ दिया, आरजी ने 37 किए थे, किए तो थे यार, डेफिनेटली किए थे, लेकिन वो लॉबी के हिसाब से यार मेरे को लगता है कि जॉनी वाली लॉबी कुछ उस टाइम पे भी मतलब बहुत हाई था उस लॉबी में भी कॉम्पिटिशन। एंड जिस लॉबी में वाइपर ने मारे थे, कितने मारे थे, 18 या कितने मारे थे, जितने मारे थे, सच उतनी अच्छी टीम्स नहीं थी वहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग अब के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लॉबी उतनी खराब भी नहीं होती एंड मतलब स्किल सेट उतना डिफर नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग। गॉब्लिन के 13 किल भी हैं बीएमपीएस फाइनल में, उससे हार्ड लॉबी में। हाँ भाई 13 किल क्रेजी थी वो भी, मेरे को याद है। चोको चोको देना है ब्लाइंड को, चोको चोको प्लेयर बैन हुआ ना टीम पे ही हुआ था नहीं भाई, उनका तो प्लेयर बैन हो गया नोवा, जो लिख रहा था कि मेरे को मैसेज भी आया था। हां उसने स्टोरी डाली थी ना नोवा ने कुछ कि नो हेट गाइस, ऐसा वैसा, वही बैन हो गया बे, खराब लगा। उसका एक बंदा अच्छा था तो पता नहीं, उसने कुछ लिखा था कि सॉरी भाई ऐसा मस्ती मस्ती में बैन गया, बाकी तुम लोग बहुत गाली दे रहे थे तो वो बोल रहा था मैं मेरे को आगे कि भाई बहुत गाली पड़ रही है, मैं बोला अभी मैं क्या करूँ। ब्रो ब्लाइंड अमन एक्सपोज, पता नहीं यार देखा नहीं मैं उन चीज़ों पर, ध्यान नहीं देता इतना। लवड़े का कोच, अरे भाई ऐसा मत बोलो भाई, हमारे कोच को अच्छा बंदा है भाई, वो अच्छा कोच है भाई, किसी किसी टीम पे तो कोच भी नहीं है, पे कोच है तो भाई हम जीत गए, ऐसा मत बोलो भाई। कैसा लगा बूट कैंप भाई और एसी टीम में? सब बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया लगा, मजा आया सबसे मिला, बातचीत किया। मैसी का स्टेटमेंट सुना आज? पता है उनको क्या पता नहीं उनको क्या दिक्कत है? नहीं सुना भाई मैंने कुछ, पता ना आप लोगों ने सुना होगा तो। ओमेगा और हेक्टर चूज वन एज एन आई जी, अगर एक चूज करना हो तो नो हेट टू ओमेगा, लेकिन हेक्टर भाई। ओजी से पहले कितने और का ऑफर आए थे यार? एक्चुअली मैं बताऊँ तो मतलब ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन वही था कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए देखना था कोई और।